नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका में है जहां टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले रही है। टीम को वहां 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है और फिर इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी है। बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने शुक्रवार को इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे कैसी है टीम इंडिया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी लगता है कि वनडे सीरीज में टीम इंडिया धमाल करेगी तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर है जहां फिलहाल टेस्ट श्रृंखला खेलने में व्यस्त है। टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेगी और इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। बता दें कि टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज का आगाज 19 जनवरी से पॉल के बॉल एंड पार्क में होगा। दूसरा वनडे भी इसी मैदान पर 21 जनवरी को खेला जाएगा। अंतिम वनडे केप टाउन में 23 जनवरी को होगा। सभी मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा वनडे सीरीज से बाहर हैं। रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर नहीं सके हैं। रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल वनडे टीम की कमान संभालेंगे। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाया गया है। इसके अलावा टीम इंडिया में 4 साल बाद ऑफ स्पिनर आर अश्विन की वापसी हुई है। अश्विन साल 2017 में आखिरी बार वनडे मैच खेले थे। युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। वहीं आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे शिखर धवन को एक और मौका दिया गया है। सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो टॉस शिखर धवन और केएल राहुल मुख्य ओपनर्स होंगे। इसके बाद ताबड़तोड़ सलामी बल्लेबाज ईशान किशन को भी इस टीम में जगह मिली है। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल की अपनी शानदार लय को विजय हजारे ट्रॉफी में जारी रखते हुए इस टीम में अपनी जगह बना ली है। वेंकटेश अय्यर को भी इस टीम में जगह मिली है। वह इस टीम के प्रमुख ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या की जगह खेलेंगे। हालांकि राहुल और धवन की उपस्थिति में सलामी बल्लेबाजों के तौर पर अय्यर को टीम में जगह मिलना मुश्किल है। ऐसे में उन्हें 5वें-6वें क्रम में बल्लेबाजी करते हुए फिनिशर की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 5वें और 6वें नंबर पर ही बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाए हैं। वहीं दोस्तों, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के कंधों पर होगी। वहीं आर अश्विन स्पिन गेंदबाजी की कमान संभालेंगे और उनका साथ देंगे वॉशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल, जो इस टीम में वापसी कर रहे हैं। चहल ने भी विजय हजारे ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसके बाद 3 मुख्य तेज गेंदबाज होंगे जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद सिराज। वहीं इनका साथ देंगे दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर। दोस्तों, वनडे सीरीज के लिए कुछ इस प्रकार है टीम। केएल राहुल कप्तान, शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, पंत, ईशान किशन, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह उपकप्तान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये टीम? क्या इसमें कोई बदलाव होने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।